देखिए आज का दिन कल का सौभाग्य बनता है। महाराजा दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वो बड़े दुखी रहते थे, पर ऐसे समय में उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो कभी उन्हें आशा ही नहीं होने देता था। मज़े की बात तो ये है कि इस हौसले की वजह किसी ऋषि मुनि या देवता का वरदान नहीं बल्कि श्रवण के पिता का श्राप था। दशरथ जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया श्राप याद आ जाता था। कालिदास ने रघुवंशम में इसका वर्णन किया है। श्रवण के पिता ने ये श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तरप तरप के मर रहा हूँ वैसे ही तू भी तरप तरप कर मरेगा। दशरथ को पता था कि ये श्राप अवश्य फलीभूत होगा और इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में तो जरूर पुत्र प्राप्त होगा, तभी तो उसके शोक में मैं तरप के मरूंगा। यानी मुनि का श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। ऐसे ही एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुई। सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर सेना वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे तो उनके साथ साथ उन्हें ये भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें क्या मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। राम सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान देखकर हतप्रभ थे। उन्हें सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव तुमको ये सब कैसे पता? तो सुग्रीव ने उनसे कहा कि मैं बाली के भय से जब माड़ा माड़ा फिर रहा था तब पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण ना मिली और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। सोचिए अगर सुग्रीव पर यह संकट ना आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता और माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियां वरदान है, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प और वरदान है, तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझो। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हो तो कभी अगर कोई दुख विपता अड़चन आ जाए तो घबराना नहीं, क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी हो। जी हाँ दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।